सो दोस्तों, यहाँ पर हम मुंबई के अंदर हैं और मुंबई के हम एक फेमस वड़ा पाव दुकान के पास में खड़े हैं वड़ा पाव खाने के लिए। अभी जो है मॉर्निंग का समय है, सुबह के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं और यहाँ पे हम सारे जो दोस्त लोग हैं सभी के सभी यहाँ पे वड़ा पाव खाने के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि मुंबई में आने के बाद में अगर मुंबई का वड़ा पाव नहीं खाया तो फिर क्या खाया। तो अब इंतज़ार कर रहे हैं भाई यहाँ पे। और देखो आप, यहाँ पे कितना बेहतरीन जो है यहाँ पे वड़ा पाव यहाँ पर बन के तैयार है। काफ़ी अच्छा इसका जो है टेस्ट होने वाला है। तो वड़ा पाव तैयार है और सारे जो हम जितने भी जो फ्रेंड्स हैं तो सारे वड़ा पाव का जो है हम नाश्ता कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है मुंबई का दर्शन कराने वाला हूँ। मुंबई के अंदर मैं आया हूँ, तो मैं मुंबई के अंदर 2 से 3 दिन जो है रुकने वाला हूँ और मैं कंप्लीट जो है वीडियो बनाने वाला हूँ। जिस जो वीडियो है 2 पार्ट में बनेगा, ये पार्ट 1 है और इसके बाद में आएगा पार्ट 2। तो दोनों पार्ट के अंदर मैं जो मुंबई के फेमस फेमस जितने भी जो घूमने की जगह है, पॉपुलर फेमस देखने की जगह, वहाँ पे मैं विजिट करने वाला हूँ और साथ ही साथ में इस वीडियो में आपको भी वो बताऊंगा। तो वीडियो के अंदर आप बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, यह है मुंबई का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन CST और यहाँ पे दोपहर के 12 बजे के करीब हमारी ट्रेन यहाँ पर CST पे पहुँची और वहाँ से जो है हमने मुंबई के अंदर जो है रूम की तलाश में हम निकले कि सबसे पहले अब हमको यहाँ पर जो है एक रूम बुक करना है ताकि हम वहाँ पे अच्छे से फ्रेश हो सके, रह सके और अपना सामान जो है रख सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि मुंबई का जो रेलवे स्टेशन है CST, तो वो किस तरह से कितना बड़ा है, जंक्शन है ये और बहुत ही बड़ा है। यहाँ से बहुत सारी लोकल ट्रेन भी जो है मुंबई के अंदर रन करती है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बड़ी बड़ी जो ट्रेनें हैं लॉन्ग रूट के लिए भी यहाँ से चलती हैं। रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर हमने मार्केट के अंदर जो है एक बहुत ही बढ़िया जो है रूम बुक किया था और ये देख सकते हैं कि मैं अपने रूम की ओर ऊपर जा रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छी जो है होटल है और सस्त दाम में आप कह सकते हो कि आपको बेहतरीन जो है यहाँ पे सुविधा देखने को मिल जाएंगी कम रेट के अंदर। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मुंबई के अंदर रहना सबसे बड़ा जो है इशू है, प्रॉब्लम है रहने, और रहने के लिए ही जो है मुंबई के अंदर हमें जगह नहीं मिलती है, काफ़ी पैसे जो है खर्चा करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो है काफ़ी अच्छी होटल है और मीडियम फैमिली के हिसाब से कम खर्चे में अगर आप रुकना चाहते हैं तो ये बढ़िया होटल है। AC रूम हमने यहाँ पे बुक किया था और सीढ़ियाँ चढ़ के आपको यहाँ पर ऊपर जाना पड़ता है। सिंगल बेड सिस्टम की भी यहाँ पे जो है सुविधा उपलब्ध है, अगर आप एक एक या दो व्यक्ति आ रहे हो तो, या अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे AC रूम अवेलेबल है और सारी चीज़ें यहाँ पे बेहतरीन है। नीचे खाने के होटल भी है जहाँ पे आप जो है बढ़िया सा खाना वगैरह खा सकते हो। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हम अपने रूम की ओर जा रहे हैं। इधर देखो, लो अरे नीचे तो ऊपर तक के लाते तक पूरा बनाया। रूम पे फ्रेश होने के बाद में हम सभी दोस्त जो है निकल गए मुंबई के अंदर घूमने के लिए और मुंबई के अंदर जितने भी जो पॉपुलर जगह है वहाँ पर हम विजिट करने वाले हैं। क्योंकि मैं भी जो है फर्स्ट टाइम पहली बार ही मुंबई के अंदर आया हूँ, तो अब यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है। तो यहाँ पर टैक्सी, लोकल, इन सारी चीज़ों की सुविधा उपलब्ध है। देखते हैं कि कौन सी जो सुविधा है वो हमारे लिए बेस्ट रहेंगी, कम से कम पैसों के अंदर हम सारे जो है चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी तो हम जो है पैदल ही ऑन फुट घूम रहे हैं और आप देख सकते हो कि मुंबई का नज़ारा इसके अंदर आप देख सकते हो किस तरह से। अभी यहाँ पे जो है ट्रैफिक वगैरह है, अभी दोपहर के जो है दोस्तों 12 साढ़े 12 बज रहे हैं और हम यहाँ पर मुंबई के अंदर जो है घूम रहे हैं। उनको
तो भाई यहाँ पर हमने एक जो है टैक्सी हायर की है, हम 7 जो है लोग हैं और 7 लोगों को हमको जो है जुहू बीच जाना है, तो हमने एक टैक्सी हायर की है और इस टैक्सी के अंदर हमने जो है 1000 रुपये जो पे किए हैं और हम यहाँ पे जो है जुहू बीच के ओर जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जुहू बीच के नज़दीक हम पहुँच रहे हैं, हम जहाँ पे थे वहाँ से जुहू बीच जो है 20 से 25 किलोमीटर दूर है। तो हमने 7 लोगों के लिए एक टैक्सी की और 1000 रुपये हमने पे किए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हम जुहू बीच की ओर जा रहे हैं, आप यहाँ पे समुद्र किनारा जो है यहाँ पर देख सकते हो और अभी जो है कुछ ही देर के अंदर आपको जुहू बीच देखने को मिलेगा। तो भाई ये बढ़िया सी टैक्सी थी और कम से कम हमको ट्रैफिक से निकलने के बाद में 1 से 1.5 घंटे का समय लगा और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम जुहू बीच के ऊपर जो है पहुँच चुके हैं। जुहू बीच के ऊपर भाई काफ़ी जो है मज़ा आ रहा है और काफ़ी हमने इंजॉय किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जुहू बीच से थोड़ी दूर पे एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे आपको जो है एरोप्लेन वगैरह हेलीकॉप्टर भी यहाँ पे जो है उड़ते हुए दिखेंगे। तो काफ़ी जो है लोग यहाँ पे जुहू बीच के ऊपर थे और सभी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, हमने भी काफ़ी इंजॉय किया और जो है पानी के अंदर काफ़ी ऊँची ऊँची जो है यहाँ पर लहरें आ रही थी, बच्चे वगैरह भी जो है काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें मिलती है खाने पीने की यार, वो काफ़ी कॉस्टली होती है, काफ़ी महंगी होती है। तो जुहू बीच के ऊपर आने से पहले अगर आप कुछ चीज़ें पहले ही मार्केट से खाने के लिए लेकर आए तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें होती है काफ़ी महंगी होती है। अरे पूरा है।